के सदर बाजार क्षेत्र में नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच भाजपा नेत्री व अन्य लोगों ने फटाके वाले उपहार वितरित करके मनाई दीपावली। दीपावली का पर्व गरीब बच्चों के साथ मनाना चाहिए क्योंकि पर्व खुशियों का पर्व है। ये बात भाजपा नेत्री श्रेष्ठा जोशी ने बच्चों को कपड़े उपहार स्वरूप देते समय सदर बाजार में कही। सदर बाजार में नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब भाजपा नेत्री और उनके साथियों ने बच्चों को कपड़े फटाके मिठाई वाली सामग्री उपहार स्वरूप उन्हें खुशियों का पर्व दीपावली मनाने के लिए भेंट की। इस दौरान सभी ने फूलझड़ियां जलाकर अपनी खुशी जाहिर की। सदर बाजार क्षेत्र में हुए आयोजन में बच्चों ने श्रेष्ठा जोशी को धन्यवाद दिया। दीदी, अभी हाल ही में उपचुनाव निपटे हैं और बीजेपी को काफी बड़ी बहुमत मिली है, अब नगर निगम चुनाव को किस तरह से देखते हैं? आपने काफी मेहनत की थी उधर भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो देवतुल्य कार्यकर्ता है जो हमेशा अपना 100 नहीं 200% देता है। और निश्चित तौर पर आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी सरकार की पुनः स्थापना हुई है और नगर निगम चुनाव में भी निश्चित तौर पर हमारी ही नगर निगम बनेगी। किस तरह से आज दिवाली मनाई है आपने बच्चों के बीच में? देखिए, ये हमारे छोटे छोटे प्यारे ज़रूरतमंद जो बच्चे थे, आज उनके बीच में हमने दिवाली मनाई है। उनके लिए हम नए कपड़े लाए हैं, फटाके लाए हैं। छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे उनके लिए रस्सी, जो छोटी सी रस्सी आती है, छोटी फुलझड़ियाँ हैं, सांप सी की वो जो गोलियाँ आती हैं, और मिठाई उनके लिए ली है हमने। क्या कहना चाहेंगे, गरीब बच्चे हैं ये, आम लोगों के लिए किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे दिवाली के लिए? देखिए, ये एक हिंदू समाज का बहुत ही बड़ा पर्व है और मुझे लगता है कि वाकई में हम सब राम भगवान के अनुयायी हैं और मुझे लगता है राम राज्य की बात तभी हो सकती है जब जिधर कम उधर हम वाली परिकल्पना को हम साकार करें और ऐसे लोगों की हमेशा मदद करें जहाँ पे उनको ज़रूरत है। तो ज़रूरतमंद बच्चों की, ज़रूरतमंद व्यक्तियों की हमेशा हम मदद करें, यही विचार है मेरा। ये कहाँ हो रहा है प्रोग्राम, मेरे कौन से क्षेत्र के बच्चे हैं? ये हमारे सदर बाजार क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे हमारे जो कुछ ऐसे परिवार थे जिनके पास आज कपड़े नहीं थे, फटाके नहीं थे और मिठाई नहीं थी, उन बच्चों की जब हमको जानकारी मिली तो उन बच्चों के घरों हमने संपर्क किया और उनको आज बुलाकर उन बच्चों को हमने ये व्यवस्था कराई। आपका परिचय? मैं श्रेष्ठा जोशी, पूर्व प्रदेश मंत्री, महिला मोर्चा।